नमस्कार, ये वीडियो बड़ा ख़ास है मेरे लिए जो मैं बना रहा हूँ। इसके आगे में भी आपको एक वीडियो बनाया था यहीं पर आके दुर्गा पूजा के ऊपर में। अभी आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जो यहाँ का जो फेस्टिवल है इसको बोलते हैं जगद्धात्री पूजा। तो जगद्धात्री पूजा एक किस्म का बंगाल में कृष्णनगर में और चंदन नगर जो बंगाल में जगह है वहाँ मशहूर है, बट यहाँ कलकत्ता में भी सेलिब्रेट किया जा सकता है या किया जाता है। आपको जगद्धात्री का मतलब हुआ द रिटर्न ऑफ द देवी, मतलब माँ दुर्गा वापस आ रही हैं एक दूसरे रूप में। तो उस वीडियो को मैं बनाने का यहाँ प्रयत्न करूँगा। तो आपको देख रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हो गया है मेरे सामने में। आप देख रहे हैं कि वीडियो का फिनिशिंग टचेस दिया जा रहा है। ये पूजा 10 तारीख को है, यानी अगला रविवार को ये पूजा यहाँ पर मनाई जाएगी। ये पूजा 2-3 दिन तक मनाया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अलग अलग मूर्तियाँ बना रखी हैं अलग अलग साइज़ की, लेकिन ये सबसे बड़ी साइज़ की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। और लोग भाई साहब वहाँ पर बैठ के कलरिंग कर रहे हैं, यानी फिनिशिंग टचेस डाल रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि और एक मूर्ति लगभग बनी पड़ी है, सिर्फ उनकी कलरिंग बाकी है। हाँ, उनकी कलरिंग बाकी है, आप देख सकते हैं। हाँ, अब उनकी कलरिंग बाकी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये मीडियम साइज़ की। यार एक यहाँ देखिएगा छोटी साइज़ की मूर्ति है जो बनी है। हाँ, बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया था है, तो आप इस देख लीजिएगा ये मूर्ति। हाँ, आप देख लीजिएगा कि ये मूर्ति कितनी मेहनत से बनाया जाता है। हाँ, ये भाई साहब का कारखाना है, आप देख सकेंगे कि यहाँ भाई साहब यहाँ पर मूर्तियाँ भी एक। आप यहाँ देखिएगा कि एक यहाँ मूर्ति अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, बनने की कगार पे है। हाँ, और यहाँ पर देखिए सारे जो पेंट है उनके औजार रखे हुए हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारा मेन स्कल्प्टर है यहाँ पर, उनके अंदर में ही ये ठाकुर बनते हैं। तो भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम? वासुदेव नस्कर। इनका नाम है वासुदेव नस्कर। यहाँ पर आपका सत्यन पार्क के पीछे जो जेम्स लॉन्ग सरानी रास्ता है वहीं पर उनका बहुत बड़ा कारखाना है। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के आगे में उनका जो फ़ोन मोबाइल नंबर और उनका डिटेल्स आपको दिया है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर अपना घर के लिए ठाकुर बनाएं तो आप ज़रूर इनको कांटेक्ट कीजिए, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बोलिए सर। हम क्या बात है, जो देख रहे हैं आप यही काम चल रहा है, तो यही काम होता है। ये कितना देर ये जो बड़ा ठाकुर जो बाहर में है जो आपका कंप्लीट हो रहा है, ये कितना दिन का काम लगा है इसमें? 12 दिन ही लगता है। 12 दिन और कितना मिट्टी लगता है? मिट्टी तो कह नहीं सकते, ज़्यादा भी लगता है थोड़ा कम भी लगता है। मिनिमम कितना एक ठाकुर बनाने में, जैसा दुर्गा हो या जैसे मूर्ति बन जाए इसके लिए छोटा जो टेम्पो होता है एक गाड़ी तो लग जाता है। एक गाड़ी? अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि एक अच्छा मूर्ति बनने के लिए करीबन एक वैन बड़ा वैन बनी लगी जाता है एक बड़ा मूर्ति बनने के लिए। आप ये कहाँ से लाते हैं? आप मिट्टी को कहाँ से लाते हैं? हमारे यहाँ पे डावन हावड़ा है। हाँ, वहीं से आता है, गंगा का मिट्टी आता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर डायमंड हार्बर एक जगह है जो गंगा किनारे के तट पर, ये छोटा सा कस्बा है, तो वहाँ से भाई साहब ये लाते हैं, मिट्टी लाते हैं। और रंग देखिए, आप रंग इतना अच्छा तरीके से बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने। आप देखिए अभी हैंड पेंटिंग हो रही है ये बड़ी मूर्ति में। फैंटास्टिक काम है, इनफैक्ट मैं बहुत प्रभावित हूँ।
तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू फॉर सीइंग दिस वीडियो। अनिता 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 अरे मुक्त सो जा तो भाई साहब ने इजाज़त दी है कि थोड़ा सा मूर्ति का जो है चेहरा दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन चेहरा है मूर्ति का, वो फैंटास्टिक। तो ये मूर्ति अभी फ़िलहाल माँ का चेहरा बन गया है, माँ का चेहरा बन ही गया है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत चेहरा है माँ का, देखिए। तो आपको जगदात्री पूजा का शुभकामनाएँ, आपको और आपका परिवार को। एंड सर थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।